गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टिटली। आई एम प्रियंका और आज का वीडियो है इस मेकअप लुक पर जो मैंने अभी वेयर करके रखा है। एंड दिस इज अ कम्प्लीटली न्यूड ग्लोइंग मेकअप लुक, अ न्यूट्रल मेकअप लुक जो आप किसी भी तरीके के आउटफिट में कैरी कर सकते हैं इधर। एंड ये जो लुक है ये काफी ग्लोई मेकअप लुक है, समर्स के लिए भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं इस लुक को। और इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है और समर में आप कैसे इस अल्ट्रा ग्लोई लुक को अचीव कर सकते हैं वो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने काफी ही कम प्रोडक्ट्स यूज करे हैं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू आर न्यू हियर डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो या लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एक फेशियल ऑयल, दिस इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स, ताकि मेरा बेस जो है वो काफ़ी ग्लोई रहे। फेशियल ऑयल को मैं अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और अप्लाई करने के बाद एक मिनट तक इसे छोड़ दूंगी। एंड देन आई विल अप्लाई माय प्राइमर। आई एम यूजिंग अ मॉइस्चराइजिंग प्राइमर, आप एक मैट प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमर को भी आपको एक मिनट के लिए अपने फेस पर सेट होने के लिए छोड़ना है। एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना हाइलाइटर। आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वेल हाइलाइटर। गाइज दिस इज़ नॉट अ चंकी हाइलाइटर, इसे मैं अपने बेस पे एक ग्लो इफेक्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ। लाइक अ मॉइस्चराइजर, इट गिव्स दैट इमेंस ग्लो ऑन योर फेस इफ़ यू वॉन्टेड न्यूड ग्लोई लुक। तो इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं अपना फाउंडेशन लूँगी और इस फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है मेबेलिन 24 आवर फाउंडेशन। दिस इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन। और मगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इफ़ यू आर यूजिंग दिस फाउंडेशन यू ब्लेंड इट इमिडिएटली यूजिंग योर स्पॉन्ज और ब्लेंडर, बिकॉज इट टेंड्स टू गेट अ लिटिल केकी अगर आप इसे इमिडिएटली ब्लेंड नहीं करते हैं। सो मैंने अपने सारे एक्सपोज्ड फेस के जितने भी एरिया हैं जो एक्सपोज्ड है लाइक माई नेक, माई ईयर, सब जगह इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड देन वी विल यूज़ अ हाईलाइटिंग कंसीलर। मैंने NYX का ये कंसीलर लिया है विच इज़ माई फेवरेट बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी फुल कवरेज कंसीलर। उस ऊपर से इट गिव्स अ वेरी नाइस ब्राइटनिंग इफेक्ट विच यू विल बी एबल टू सी। तो इसे मैंने एक वी शेप दिया है अपने अंडर आई में, मैंने लिड पर भी, अपने आई लिड पर भी इसे अप्लाई किया है, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, फोरहेड पे और चिन पे। नाउ टेकिंग अ स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर आई विल ब्लेंड एवरीथिंग आउट। इसको आप देख सकते हो ये इमिडिएटली कैसे ब्राइटन अप कर देता है आई एरिया। इट लुक सो 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 स्मूथ, बहुत ही फ्लॉलेस कवरेज है इसका, मुझे बहुत पसंद है ये। सो येस आई एम ब्लेंडिंग एवरीथिंग एंड यू कैन सी द कवरेज ऑन योर ओन। उसके बाद हम लेंगे अपना एक लूज पाउडर। उसके बाद मैं अपना बेकिंग प्रोसेस कर रही हूँ। सो बेकिंग के लिए आई एम बेकिंग माई अंडर आई, रिवर्स कॉन्टोरिंग भी मैं करूँगी, बट मैंने ज़्यादा अपने फेस को बेक नहीं किया, अपने आई लिड को इसी पाउडर से सेट कर लूँगी। उसके बाद ये कॉन्टोर पैलेट लेकर मैं अपने फेस को हल्का सा डायमेंशन देने के लिए ब्रॉन्जअप करूँगी। सो यू कैन सी आई एम ब्रॉन्जिंग और लाइकवाइज मैं अपने जॉ लाइन को भी करूँगी एंड आई ऑल्सो ब्रॉन्ज माई नोज जस्ट टू गिव इट अ बिट ऑफ शेप शार्प। उसके बाद मैंने अपना डस्ट ऑफ कर लिया एक्सेस जितना भी पाउडर था एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर आई मेकअप। उसके लिए मैंने शुगर का लाइनर लिया इन द शेड ब्राउन, बट मैंने इसी से अपने आईब्राउज को भी फिल किया। आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर प्रोडक्ट और एक स्पूली के हेल्प से इसे सेट कर लूँगी। मैंने ऑफलाइन अपने आई मेकअप को पूरा कंप्लीट किया था। पहले मैं लिड पर लगा रही हूँ आई शेडो के लिए ग्लिटर, मेरा जो आई मीन हाइलाइटर जो था वेट एंड वाइल्ड का, और क्रीज पर मैंने कॉन्टोर पैलेट से लेकर अपने अच्छे से इसी शेड को ट्रांजिशन शेड बनाया है। और उसके बाद मैं ब्लश पैलेट लूँगी और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेते हुए इस पिंक शेड को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने जितना भी रेस्ट ऑफ द अपना फॉल्सेस लगाया है, मस्कारा लगाया है, लाइनर, वो सब मैंने ऑफ कैमरा किया था बिकॉज माई लिटिल बॉय कॉट अप और मेरे पास टाइम नहीं रहा उसे शूट करने का। सो यस, इसको मैं हाइलाइटर को वापस से मैं अपने लिड्स पर लगाऊंगी ताकि वो पॉप करे। और यूजिंग द सेम फिगर आई एम हाइलाइटिंग रेस्ट ऑफ माई हाइलाइटिंग पॉइंट्स यूजिंग द सेम वेट एंड वेल हाइलाइटर। सो दिस इज़ माई आई मेकअप लुक डैट इज़ कम्प्लीट ऑफलाइन। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, टेकिंग द सेम सिवाना ब्लश पैलेट, नेक पे भी लगाऊंगी थोड़ा सा और हाइलाइटर को अपने फेस पर एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश से लगाऊंगी टू गिव दैट इमेंस ग्लो। एंड नाउ आई टेक माई मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड माई लिपस्टिक एंड माई लुक इज टोटली कम्प्लीट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।
And I think for the first time I'm wearing falsies in my YouTube videos. I don't remember. But मुझे definitely बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा comment section पे. And for the next time, stay positive, stay safe and happy quarantine. Bye bye.